क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा थायराइड की बीमारी को रिवर्स करना पॉसिबल है? जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमेशा नेचुरल वे में ही अपने थायराइड को ट्रीट करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड होता है आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी मैं किसी थायराइड पेशेंट को ट्रीट करती हूँ तो मैं उसके थायराइड पेशेंट होने के बावजूद भी उसके सिम्टम्स के ऊपर काम करती हूँ, और जैसे जैसे उनके सिम्टम रिवर्स होते चले जाते हैं वैसे वैसे ही उनके जो TSH लेवल हैं वो डाउन जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स बूस्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ आता है और वेट लॉस भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे सिम्टम्स के ऊपर काम करती हूँ, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास रहता है जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, उसमें कई बार लोग मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें बताइए कि हम इसको थायराइड को आयुर्वेदिक चिकित्सा से ट्रीट करते हैं या फिर हम इसको होम्योपैथिक से ट्रीट करें, हम इसको कैसे ट्रीट करें, हमें आप थोड़ा सा सजेशन दीजिए। देखिए पर्सनली तो पर्सनल कंसल्टेशन के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करूंगी जिससे आप इस चीज को समझ पाएंगे कि अगर आपको थायराइड है तो उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरीके से की जा सकती है और कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आयुर्वेदिक बहुत पुराना विज्ञान है, बहुत पुराने इसमें चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेदिक हजारों साल पुराना है, तो उसमें क्या है कि इन बीमारियों के नाम नहीं लिखे हुए हैं लेकिन इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उस ट्रीटमेंट तक आराम से पहुंच सकते हैं कि अगर उन सिम्टम्स के ऊपर आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार काम किया जाए तो ये सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जो लोग जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर कफ प्रकृति ज्यादा होती है, इसीलिए आपने देखा होगा उनकी नाक बहुत ज्यादा बहती है, उनको कफ एंड कोल्ड की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो बच्चे नवजात बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको कफ संबंधित समस्या ज्यादा होती है, और उसका कारण होता है क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो एक मॉइस्चर ल्यूब्रिकेंट्स या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं जोड़ों के बीच के जो कार्टिलेज होता है, जो ल्यूब्रिकेशन होता है ज्वाइंट्स में, वो सब बन रहा होता है, वो सब डेवलप होता है, तो बॉडी जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपके कफ प्रकृति में रखती है छोटे बच्चों को। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, जब टीनेजर बनते हैं, तो उस समय पर वो कफ प्रकृति से वो लोग पित्त प्रकृति में आते हैं, इसीलिए उनके अंदर जब वो पित्त प्रकृति में आते हैं और उनके अंदर वो इम्बैलेंसिंग होती है, इस तरह कफ प्रकृति के छोटे बच्चों को हर किसी को कफ नहीं होता, जिनके अंदर कफ इम्बैलेंस होता है उन्हीं बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रनिंग नोज है या ऐसा कुछ भी होता है। जब बच्चे टीनेजर होते हैं तो उनको भी थायराइड का इश्यू कई बार देखने के लिए मिलता है, तो उन लोगों के अंदर जो पित्त प्रकृति डेवलप होती है, अब पित्त प्रकृति में आपको एक्ने है, पिंपल्स है, या फिर ये इस तरह की फेस पे किस तरह के दाने वगैरह निकल जाना, ये सब पित्त प्रकृति के जो सिम्टम्स होते हैं वो कहे जाते हैं। जब ये पित्त प्रकृति ओवर होने लग जाती है तभी ये एक्ने, पिंपल्स, ये सब दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ जो टीनेजर्स होते हैं उनके जो मूड होते हैं वो काफ़ी एकदम अग्रेसिव हो जाना, एनजाइटी में रहना, गुस्से में जवाब देना, एकदम अग्रेशन, एकदम जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे एकदम उतावले हो जाते हैं, उस तरीके से बच्चों की प्रकृति देखने में आती है, क्योंकि ये जो पित्त प्रकृति होती है ये उस समय तक चलती है। 30 के बाद जो होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, 30-40 की एज के बाद लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखने में आती हैं, जोड़ों के दर्द, और इनफैक्ट अगर थायराइड की समस्या है तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि स्किन जो होती है वो काफ़ी सूखी होती है, और बाल जो होते हैं, क्योंकि बाल भी हमारे स्किन पर ही होते हैं, तो बाल भी काफ़ी झड़ जाते हैं, और वो भी उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मॉइस्चर ग्लैंड्स जो होते हैं वो सूखने लग जाते हैं। तो 30 से 40 की उम्र में आपके अंदर वात प्रकृति जो होती है, वायु जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसी वजह से जो होता है बहुत सारे लोगों को गैस पास होना, डकारे आना, स्किन जो होती है एकदम ड्राई हो जाती है, गला भी सूखा सूखा हम लोगों को महसूस होता है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, जो जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। जोड़ों में भी क्या होता है, जब लुब्रिकेशन होता है, जब लुब्रिकेशन कम होने लगता है तो उसी जगह पर वायु जो होती है वो बढ़ जाती है, और वही वायु जो होती है आप लोगों के जोड़ों में दर्द का कारण होती है। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जिन लोगों को वात प्रकृति जो है वो काफी उनके अंदर जो है वात प्रकृति बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और इसी वजह से उनको थायराइड की समस्या भी
उनके अंदर होती है। तो अगर हम इस चीज के ऊपर ध्यान करें कि वायु जो होती है जब बढ़ जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कई, जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है, बहुत ज्यादा डकारे आती हैं, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, डॉक्टर कहते हैं आप लोग आप अपने शरीर को ढककर रखिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने शरीर को खोलेंगे वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वायु विकार जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आयुर्वेदिक के अनुसार हैं। अगर आपके अंदर वात प्रकृति है, जोड़ों में दर्द है, त्वचा सूखी है, बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, आपको इससे काफी हद तक आराम जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है आपका रूटीन। देखिए रूटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपके नहाने का समय, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम, आपकी फर्स्ट टी का टाइम, आपके लंच का टाइम, मिड ब्रेकफास्ट का टाइम, और इवन आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डिनर का टाइम, अगर ये सारे टाइमिंग्स जो होते हैं आपके बिल्कुल टू द पॉइंट अगर आप इनको लेकर चलते हो, 10 से 5 मिनट ऊपर नीचे होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंसान अपने डे टू डे लाइफ में अपने इन टाइमिंग्स को फिक्स करता है, एक रूटीनली टाइमिंग को फिक्स करता है, उस इंसान के अंदर वात प्रकृति जो होती है वो काफी हद तक उसमें आराम देखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर आप अपने आप को 10 बजे के बाद जबरदस्ती आप अपने आप को जगाते हैं तो तब भी आपके अंदर वात प्रकृति जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। फर्स्ट जब जैसे ही आपको फर्स्ट झोंका आपको आने लगे नींद का, उसी समय आपको सो जाना चाहिए, उसके बाद आपको जगना नहीं चाहिए। जो लोग अपने आप को ब्लू स्क्रीन यानी कि मोबाइल पर, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फोकस करके रहते हैं, आपको सोने, ज्यादातर लोगों को सोने के टाइम पर ही हाथ में फोन आता है और वो लोग उसी समय उसमें एक्टिव रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी वात प्रकृति जो होती है वो काफी ट्रिगर रहती है। तो इसलिए आपके सोने का जो समय है वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका खाने पीने का रूटीन फिक्स होना चाहिए, सेकंड है आपका सोने का टाइमिंग, 10 बजे से पहले पहले आपको सो जाना चाहिए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वात प्रकृति है वो काफी हद तक शांत रहती है। तीसरा जो इसमें है, पूरे दिन जो है अगर आप पूरे दिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने जो डेली आपका स्केड्यूल रहता है उसको बहुत ज्यादा अगर आप बिजी रश बनाकर रखते हैं, इधर भाग दौड़ दुनिया भर का, मतलब एक पीसफुल माइंड से भी काम नहीं करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाकर आप अपने जो आपकी डेली लाइफ है, जो डे टू डे की लाइफ है उसको आप सही से मेंटेन नहीं करते हैं, टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, और इस तरह की अगर आप चीजें अगर अपनी लाइफ के अंदर करते हैं तो भी आपके अंदर वायु वात प्रकृति जो होती है वो बहुत ज्यादा, और वात प्रकृति होने का सबसे बड़ा जानते हैं जो सिंबल होता है ना वो ये होता है, दिमाग में पूरे दिन चक्कर 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 चलती रहती है, खिटपिट चलती रहती है पूरे दिन दिमाग में, एकदम से आपको दिमाग के अंदर आइडियाज आएंगे, एकदम से वो दिमाग जो है आपके वो दिमाग से वो आइडिया निकल जाएगा, और फिर आप सोचते रहेंगे कि कई बार तो ऐसा होता है दिमाग के अंदर बहुत अच्छा आइडिया आता है लेकिन आप थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं, तो दिमाग भी आपका ड्राई होने लगता है, वहां पर भी वात प्रकृति का जो इफेक्ट होता है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने जो पूरे दिन का टाइमिंग जो भी कुछ होता है आपको, बहुत ज्यादा रशी अपना डे मत बनाइए, जो अपना जो दिन की शुरुआत है वो एक प्राणायाम या योगासन से कीजिए ताकि आप पूरे दिन कूल डाउन रहें, और टू डू लिस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जो काम जरूरी है उसको करेंगे, तो पूरे दिन दिमाग के अंदर तनाव वाली स्थिति नहीं रहती है, एक एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से आप अपने पूरे दिन के काम को कर पाते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं आपको बताती हूँ, अक्सर मैंने ये देखा है सप्लीमेंट इंडस्ट्री में कि अगर आपको ज्वाइंट पेन है, ठीक है, तो अगर आपके बचपन में आपको जॉइंट पेन है या फिर आपको जवानी में जॉइंट पेन है, बचपन में तो खैर नहीं होते लेकिन अगर बुढ़ापे यानी कि 30-40 के बाद अगर आपको जॉइंट पेन फील होते हैं ना, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप फिश ऑयल का सप्लीमेंट लीजिए। देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, अगर मैं इसमें बहुत ही डीपली अगर मैं थोड़ी सी जाकर आप लोगों से बात करूंगी, हमारी जो बॉडी होती है ना वो फिश ऑयल को नहीं समझती है, आयुर्वेद के अनुसार कभी भी फिश ऑयल को नहीं बताया गया है, किसी भी तरह के ऑयल को नहीं बताया गया है। ऑयल का यूज अगर किया जाता है तो स्किन के ऊपर अभ्यंग से, मालिश से आप अपनी अपने अंदर की वात प्रकृति को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंसी के फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स, फिश ऑयल कैप्सूल्स, क्रिल ऑयल कैप्सूल्स, या फिर इस तरह के ऑयल, सिसमी ऑयल के भी कैप्सूल्स आते हैं, कोकोनट ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, तो अगर ये कैप्सूल्स आपके बॉडी में इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कब होते हैं,
जब आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर जो है वो पूरी तरीके से फंक्शन अच्छे से कर रहा हो। क्योंकि जब आप अपनी स्किन के ऊपर ऑयल की मसाज करते हैं ना, तो स्किन से सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही आपका जो ऑयल होता है वो जाता है। स्किन हमारा लार्जर ऑर्गेन है, सबसे बड़ा ऑर्गेन हमारा स्किन है। तो जो भी कुछ आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, वही चीज जो होती है आपके स्किन के थ्रू आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, आपकी स्किन को नरिश करती है और हेल्दी बनाती है। इसीलिए आयुर्वेद में अभ्यंग यानी कि मसाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। खासकर अगर जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं, उन लोगों के लिए मसाज करके अपने आप को पूरा ढक लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा डकार आती है, बहुत ज्यादा गैस उन लोगों को बनती है, उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप टेस्टेड है बिल्कुल, आप एक बार तिल के तेल से, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप तिल के तेल से सर्दियों में और गर्मियों में कोकोनट ऑयल से आप मसाज करवाइए, काफी हद तक इसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो अभ्यंग यानी कि तिल के तेल की मसाज या किसी भी अच्छे तेल की मसाज अगर आप अपनी बॉडी पर करते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी जो होती है वो नरिश होती है। क्योंकि जब आप उस कोई भी आपने कोई हैवी ऑयल का कैप्सूल अगर आपने खाया, तो अगर आपका लिवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो इतना हेल्दी जो इतना हैवी फैट जो होता है ना, वो उसको तोड़ भी नहीं पाता है, उससे वो चीजें निकाल भी नहीं पाता है जिस चीज के लिए आपके ओमेगा 3 है या उस चीज की आपको जरूरत होती है। आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, और आप इतने हैवी ऑयल का कैप्सूल आप खा रहे हो। उसके बाद अगर वो ही कैप्सूल जो होता है, वो ऑयल जो होता है, अगर आपके गॉल ब्लैडर तक भी जाता है, तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके खाने को तोड़ता है। तो ऑयल और पानी मिलकर एक कीचड़ जैसा, मड जैसा सब्सटेंस बना देता है, जो और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। तो क्योंकि आपका स्किन जो होता है ना, स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सोक करते हैं हर चीज को। आप कोई भी क्रीम्स लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, इवन आपको अगर पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप घटिया क्वालिटी की लिपस्टिक लगाते हैं, घटिया क्वालिटी का अगर आप मेकअप कोई भी यूज करते हैं ना, तो आप अपने बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून को भी ट्रिगर करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें चीजें दे रहे हैं। क्योंकि ऑटो इम्यून कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो काफी हद तक उसके साथ डील करती है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिए। हेल्दी ऑयल, हेल्दी क्रीम्स तो मैं नहीं कहूंगी, ऑयल्स को आप अपने, अरोमा ऑयल्स है, बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स आते हैं क्वालिटी के, उनको आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए बजाय उसको इनटेक करने के। क्योंकि जब आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ऑयल जाएगा और आपको पूरी तरीके से फायदा होगा। आपकी स्किन जो है वो नरिश होगी, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो बनेगा, तो ये सब चीजें वहां से काम करती हैं। तो ये आयुर्वेदिक का फॉर्मूला है, आयुर्वेद का, और यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है ना, उन लोगों को कई बार लोगों ने ऐसी कंप्लेन की है कि हमें जॉइंट पेन रहता है और हम मसाज भी कराते हैं, घुटनों की मसाज या हाथों पैरों में मसाज कराते हैं, उसके बाद भी हमें दर्द होता है। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या होता है, आप मसाज कराते हैं, आप कपड़े पूरे ढकते भी नहीं है और आप सीधा पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। तो वहां पर सबसे बड़ी, सबसे ब्लेंडर मिस्टेक होती है वो, जब आप मसाज कराने के बाद अपनी पूरी, कोई भी सीजन हो, एनी सीजन, चाहे विंटर्स का हो, समर का हो, कोई भी सीजन हो, अगर आप मसाज करा रहे हैं तो उसके बाद आपको अपनी बॉडी को पूरा ढककर रखना है, तभी आप जो होते हैं इस चीज से बचते हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है, जो भी आप खाना खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को वात प्रकृति होती है ना, उन लोगों को, क्योंकि अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि आप सैलड खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, यही सब हम लोगों को बोला जाता है। स्किन अगर आपकी अच्छी ग्लो नहीं कर रही है तो बोलते हैं कि फ्रूट खाओ, राइट? तो ये सब जो है, ये एडवांस जो है, ये ट्रीटमेंट एडवांस, इसको साइंस कह सकती है, लेकिन आयुर्वेद जो है तो किसी चीज से बचा नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर आप जाते हैं, तो जिन लोगों को वात प्रकृति होती है तो उन लोगों को सलाद भी नहीं खाना चाहिए। वो लोग, उन्होंने नोटिस भी किया होगा, जैसे वो सलाद खाते हैं उनको डकारे आने लगती हैं बहुत ज्यादा। और उन लोगों को फ्रूट्स भी है ना, उन लोगों को ऐसे नहीं खाने चाहिए। मैं तो जैसे जाता है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उन लोगों को वो लोग कहते हैं कि हमें फ्रूट ठंडे लगते हैं तो हमें एकदम कफ कोल्ड होने लग जाता है। वो उसका कारण भी यही होता है, कोई भी फ्रूट है अगर आप उसको धूप में रख के खाएंगे, अवन में उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए तब आप उसको खाइए, उस वो फ्रूट अगर गर्म हो जाता है उसको आप इंटेक कर लीजिए, वो आपको नुकसान नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद जब हम वात प्रकृति की ही बात कर रहे हैं, तो
खाना जो होता है ना वो हमेशा गर्म खाना ही आपको खाना चाहिए। किसी भी ठंडे पदार्थ का सेवन अगर आप करते हैं, फ्रिज से निकला हुआ डायरेक्ट चीज अगर आप लेते हैं, आइसक्रीम अगर आप खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं, किसी भी ठंडी चीज का अगर आप सेवन करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर वात जो होता है वो एग्रीवेट होगा ही होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप अपने आप को ठंडी चीजों से दूर रखें और हमेशा खाना जो है वो गर्म ही खाएं, कच्चा खाना भी ना खाएं। रॉ फूड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, बट उसमें सबसे अच्छा होता है अगर आप सब्जियों का ही सेवन करना चाहते हैं सलाद में, तो बेस्ट ऑप्शन होता है सूप बनाकर उसका लेना। अगर आप उसको सूप की फॉर्म में लेंगे तो वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, आपकी स्किन उतनी ही ग्लो करेगी जितना आपकी रॉ खाने से आपकी स्किन ग्लो करती है, उतनी ही ग्लो आपकी स्किन तब भी करेगी अगर आप हेल्दी वेजिटेबल्स का सूप, उसके जो फाइबर होता है उसके साथ अगर आप उसको इंटेक करते हैं तो ये सब बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है जो भी कुछ बताया जाता है वो सब कुछ 100% सही हो, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को कफ संबंधित समस्याएं होती हैं उन लोगों को भी ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। तो इट्स अप टू यू। यंग एज में जब आपकी पित्त प्रकृति होती है उस समय जितना सलाद खाते हैं, जितने फ्रूट्स खाते हैं, आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन जब आप एक ओवर एज होने लग जाते हैं, 40 की एज में जाने लग जाते हैं, उसके बाद आपको सोच समझ के अपनी डाइट को देखना चाहिए। इसके बाद जो होता है आपको सबसे बड़ी बात एक और भी होती है, जिन लोगों को वात प्रकृति होती है ना उन लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वो बहुत ज्यादा करते हैं, और उसका कारण यही होता है कि दिमाग में खुश्की आ जाना, ठीक है, क्योंकि वात है पूरे शरीर पर असर डालेगा। तो जब दिमाग के अंदर खुश्की होगी तो दिमाग में भी टक टक चलती है बहुत ज्यादा, एक से एक आइडियाज आते रहेंगे आपके और वो आप तुरंत तुरंत भूलते भी रहेंगे। बहुत सारी दिमाग में चीजें खत्म हो चुकी हैं, एनवायरमेंट्स चेंज हो चुके हैं लोगों के साथ, लेकिन तब भी वो परसों की बात ऐसे हुई थी ना तो वो उसको दिमाग में सोचते ही रहते हैं। ये इसमें लोगों की गलती नहीं होती, उनके अंदर वात जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये जो जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करेंगे ना तो आप काफी हद तक इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिनका दिमाग बहुत ज्यादा खुश्क होता है, जिनको सोचते बहुत ज्यादा हैं और नींद की समस्या भी उनके अंदर होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर वो नाक से अपने नाक से दो दो बूंद तेल जो है रात को सोते समय लेटकर अपने नाक से दो दो बूंद तेल अगर वो डालते हैं ना, तो माइंड जो होता है ना, क्योंकि हमारे जो ऊपर गर्दन तक का जितना भी एरिया होता है ना उसका एक ही द्वार होता है, वो होता है हमारी नासिका। नासिका में हम जब भी खुश्की आपको महसूस हो हमेशा तेल डालिए। इनफैक्ट अगर मैं अभी आजकल के पेंडेमिक की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो जिन लोगों के अंदर ऑयल रहता है ना, अगर आप रेगुलर अपने नासिका में ऑयल डालेंगे, देसी घी को गर्म करके डाल सकते हैं, तिल का तेल बहुत अच्छा है वो आप डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल तो खैर थोड़ा सा तीखा लगता है, थोड़ा सा तीत लगती है, चिड़चिड़ा सा होता है, उसको मत लीजिए। लेकिन तिल का तेल अगर आप अपने नासिका में रात को सोते वक्त बच्चों के नासिका में डालेंगे, अपनी नासिका में डालेंगे, तो क्या होगा, एक म्यूकोसा लेयर आपके लंग्स तक बनी ही रहेगी, और यही म्यूकोसा लेयर जो है तो होती है ना आपको किसी तरह के पेंडेमिक वायरस से बचाती है, क्योंकि वो वायरस चिपकता नहीं है तो सीधा स्टमक से और आपके एनस से बाहर। लेकिन अगर वो चिपक गया, आपके म्यूकस लेयर वीक है, आपके म्यूकस लेयर से आपके लंग्स में, आपके विड पाइप में, कहीं पर भी चिपक गया ना, तो चिपकने के बाद क्या होता है वो वहीं पर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है, फिर होता है वायरल इन्फेक्शन, फिर होता है कोई भी किसी भी तरह का वायरस का इन्फेक्शन होना, ये सब स्वाभाविक है। तो इन सब चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और दूसरा है थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कीजिए। थायराइड पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि उन लोगों के हाथ पैर काफी ठंडे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने आप को गर्म रखते हैं, स्टे वॉर्म। अब जितना अपने आप को गर्म रखेंगे ना उतना ही ज्यादा आप वात से भी बचेंगे और उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और आपके बॉडी टेम्परेचर पे भी ये सीधा इफेक्ट डालता है। तो आप अपने जब सर्दियां आती हैं, हल्की सर्दियां भी होती हैं, तब भी आपको अच्छे कपड़े पहनकर रखने हैं, सॉक्स वगैरह सब पहनकर रखने हैं, जहां पर भी आपको ठंडा महसूस होता है। कैप भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है लगाना, विंटर्स में दिन में आप धूप में जाते तो कैप हटा दीजिए, अदरवाइज आपको कैप लगाना बहुत अच्छा है। तो ये सारे टिप्स थे जिन लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में जानना होता है कि आयुर्वेद से कैसे ठीक किया जाता है थायराइड को। तो ये सिम्टम्स आयुर्वेद से निकल कर आए हैं और यही सिम्टम्स जो होते हैं थायराइड के भी होते हैं, तो आप इनके साथ काम कीजिए और काम करते करते देखिए आपके कितने ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ के अंदर आते हैं।
बहुत लंबा वीडियो हो गया था, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो सुनने के लिए. जिन लोगों ने भी ये पूरा वीडियो सुना है, मैं यही सोचूंगी कि आप अगले कल से आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, और आगे आने वाले समय में आयुर्वेदिक से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी. और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, ये पेड होती है. और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.